देखिए, जांच जो शुरू हुई है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है और जो जांच करने वाले हैं वो मिनिस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट की जांच मुझे नहीं लगता उनके हाथ से होगी। जहां तक ये जो चल रहा है ये आईवास चल रहा है, करप्शन भी उन्होंने ही करना, करप्शन के विरोध में उन्होंने ही बोलना, कार्रवाई करने का नाटक उन्होंने ही करना और कार्रवाई करके पीठ थिपाने का काम उन्होंने ही करना, बजट भी उन्होंने ही सैंक्शन करना, ये सब बीच में जो है ड्रामाबाजी है। देखिए, जो जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनके ऊपर कानून कार्रवाई बनती है सरकार करे, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। भाई जिसको लेना है सरकार कार्रवाई करे ना। देखिए, अभी तो फिलहाल ऐसा है कि मुझे लगता है कि सरकार ने इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो करे, और अभी तो इसकी कोई जानकारी बाहर नहीं आई है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेट इट कम्स देन उसके बाद बोल सकेंगे। देखिए, पहली बात ऐसी है, पहली बात ऐसी है कि जो भी इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई करें। विजय गोयल ये पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में अपना आवाज उठाकर ये बात कही तो उनको कमेटी के बाहर किया गया। अब इस कमेटी में राहुल गांधी थे, ज्योतिराज शिंदे थे, देश के बड़े बड़े नेता थे, उनके नामों की लिस्ट है मेरे पास। विजय गोयल जी को निकाला गया कमेटी से। विजय कुमार मल्होत्रा जी का जो बातचीत हुई उनकी कोई बात चली नहीं, उनको कोई सुना नहीं, बार बार उन्होंने डिसेंडेंट नोट दिया, अनेक बार पत्र लिख कर दिया है, वहां सब वन मैन आर्मी जैसा काम चल रहा था। और जहां तक सैंक्शंस थे, दिल्ली गवर्नमेंट के काम थे, केंद्र सरकार के काम थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के काम थे, उन कोई कामों से विजय कुमार मल्होत्रा का कोई अर्थार्थी संबंध नहीं था। अगर एमसीडी के रोल में भी इंक्वायरी होती और कुछ गलत बातें होती तो उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करी है। जरूरत नहीं है, दैट इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन स्टार्ट इंक्वायरी इन एमसीडी ऑल्सो, वी हैव नो प्रॉब्लम। If the some people are involved in MCD, it is the right of the government, central government है, उसके परिघ में सब आ सकता है और वो करे इसकी इंक्वायरी। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है बहन जी, एमसीडी कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऊपर प्राइम मिनिस्टर है। मेयर ने पहले कहा हम कोऑपरेट करेंगे, और मेयर ने कहा है कोई भी इंक्वायरी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। मैं पहले आपको कह चुका हूं कि इसमें कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी का हो या पार्टी का बाहर हो, जो इसमें करप्शन में आता होगा उसके ऊपर केंद्र सरकार के जो कमेटी बनी है उन्होंने उसके प्रूफ्स इकट्ठा करके अगर वो गिल्टी है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ये पार्टी का साफ मत है। अरे पार्टी क्या करेगी, पार्टी इज नॉट ए गवर्नमेंट, इट इज अ राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, पहली बात ऐसी है कि इंक्वायरी में ओवरलैपिंग होता है, जस्ट मिनट, आप लिसन, आप पहली बात मेरी सुनिए। पहला ही प्रॉब्लम यह है कि सीबीआई को सब सीज करने का अधिकार है, सीबीसी को नहीं है। फिर बाकी अनेक इंक्वायरी में ध्यान में आता है कि एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को कोऑपरेट नहीं करती है, और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यह इजीली होने के दृष्टि से मैंने ये मांग की है कि कैबिनेट सचिव जो है उनके उस पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी रहे, और उसके अंडर सब आता है, और उसमें जो एमसीडी की भी बात आपने की होगी, राज्य सरकार की बात की होगी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की होगी, अर्बन डिपार्टमेंट की बात की होगी, यह सब कार्रवाई करने का अधिकार है। इसको सिंक्रोनाइज करके एक एजेंसी को देकर कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और इस प्रकार के किसी भी इंक्वायरी का हम स्वागत करेंगे, और इसमें जो भी गिल्टी होंगे वो कोई भी हो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी का मत है। हमको किसी को प्रोटेक्ट करना नहीं और किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है। पहले आने तो दीजिए, कुछ अभी तक कुछ आया ही नहीं तो क्या बताऊं मैं, हमारा एक भी आदमी का कोई संबंध नहीं आया, कोई बात नहीं है, और आप मैं अभी कैसे जवाब दे पाऊंगा। हाँ, यस मोदी, मैं फिर से आपको, मैंने पिछले दो कमेटी का अध्ययन किया है। एक बात मेरे ध्यान में आई कि जहाँ अनेक एजेंसीज काम करती है तो उसमें ओवरलैपिंग होता है,
फिर उसमें सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सीबीआई को कुछ ज़्यादा अधिकार है, सीबीसी को कम है, फिर कागज एक मेक को नहीं मिलते हैं, इंक्वायरी स्मूथ में होती नहीं है, एक एक जस्ट मिनट मैडम आप मेरी तो सुनिए पहले, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग होकर पेपर मिलते नहीं है, इसलिए हाईएस्ट अथॉरिटी करके इस सब इंक्वायरी को कोऑर्डिनेट करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनके अध्यक्षता में सबको काम करने के लिए बोलिए, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करें और फाइनल अथॉरिटी उनकी चलकर वो सब बता सकेंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर अच्छी तरह से आगे जाएगा। रही बात मिनिस्टर्स की, तो ये इंक्वायरी नहीं कर सकते, इसलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है जिसमें पॉलिटिकल पेट्रोनेज जो मिला है उसकी इंक्वायरी और इस कमेटी का भी रेफरेंस लेके उसमें कर सकेगी। पहली बात, हमारे नेताओं ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, कोई साइन नहीं किया, कोई अप्रूवल नहीं किया, उनसे कोई लेना नहीं। मैंने विजय कुमार मल्होत्रा से बात की है, इस कमेटी में अनेक मेंबर थे, अगर आपका सवाल पूछना है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन इज राहुल गांधी, जो भी इस कमेटी के मेंबर थे। अब मैं जाकर ये पूछूं क्या कि राहुल गांधी और ज्योतिराजय शिंदे और बेचारे प्रियजनदास मुंशी, तो अभी उनके सवाल को ये नहीं बोलना नहीं चाहता, पर ये सब लोग उसके मेंबर थे। देखिए सवाल यह है कि मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता, मेरा कहना इसमें ऐसा है कि इसमें जो भी निर्णय गलत हुए हैं, किसने किए फाइल पर मिलेंगे, जिसने साइन किए, जिसने इसके ऊपर मंजूर किया है उसको आइडेंटिफाई करो, और जिसने किया है जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करो। ही मे बिलोंग्स टू एक्स वाई जेड, कोई भी रहे वो। गडकरी जी, यू हैव यूली ब्लेम द एंटायर कैबिनेट फॉर टेकिंग द डिसीजंस, योर मैन वीके मल्होत्रा वाज इन द कमिटी, देन ही इज आल्सो रिस्पांसिबल। आपको मैं आपको आप कैसे समझो, मैं विजय कुमार मल्होत्रा का और कैबिनेट मिनिस्टर का 70,000 का बजट किसके हाथ? विजय कुमार मल्होत्रा के हाथ में एक रुपए का बजट नहीं था जी, वो मेरे को दिया हुआ पास था ना, वो भी मुझे पास उन्होंने जनरल इसमें मिला था, तो बेचारे कन्वर्ट नहीं कर पाए दूसरे। अब आप विजय कुमार मल्होत्रा के, उनका कोई संबंध नहीं, ओलंपिक एसोसिएशन के कारण वो मेंबर थे, वो ओलंपिक एसोसिएशन के कारण वो मेंबर थे। देखिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो अलग अलग प्रकार के टेंडर्स दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स पक्के किए गए थे, टेक्निकल और इकोनॉमिक नॉर्म्स, उसके बाद किसको फेवर किया गया है, कॉस्ट एस्कलेशन कैसा है, एस्टिमेट कॉस्ट एग्जैक्टली बराबर थी कि नहीं थी, इसके बारे में वेरिफिकेशन होकर जो बातें बाहर आएगी उसमें ये ऑफिसर्स के कारण दिए गए कि पॉलिटिकल लीडरशिप के दबाव के कारण दिए गए, इसका जब तथ्य बाहर आएगा तो पार्लियामेंट कमेटी जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसमें यह कमेटी एक सुप्रीम अथॉरिटी है, इसमें जो जो इन्वॉल्व है जिनकी जी जिम्मेदारी फिक्सअप होगी उनके ऊपर सजा होगी। देखिए मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मैंने इतना ही कहा है कि इन बातों को हर बार सैंक्शन और क्लियरेंसेस प्लियोमो के अप्रूवल से हुए है। इसका मीनिंग यह है कि एस्टिमेट कॉस्ट अगर एग्जैक्टेड हुई है तो उन्होंने जांची होगी। इसका कहना, मेरे का कहना ऐसा है कि अगर ज़्यादा का पैसा मांगा होगा तो उसका जज उन्होंने देखा होगा, लेट अस वेरीफाइड। यू कैनॉट इन्हें हर ये जिम्मेदारी पूरे 70,000 करोड़ की एक सुरेश कलमाणी के ऊपर है, सुरेश कलमाणी ने जो गेम खेला है उसका उसकी अमाउंट कितनी है वो सिद्ध हो जाएगी, बाकी जो गेम जिन्होंने खेला है वो किसका किसका है वो बाहर आएगा। एक तो ब्रेकअप 80,000 करोड़ का है जो टूरिज्म मिनिस्टर ने दिया हुआ है, वो ऑफिशियल दिया हुआ है, 87,000 मैं आपको इसमें लिखा हुआ है, टूरिज्म मिनिस्टर ने 80,000 करोड़ का ब्रेकअप दिया है। देखिए मैं फिर से मेरा मुद्दा क्लियर कर देता हूँ, आप समझ लीजिए, ये जो बजट 1899 करोड़ का था ये बढ़ते हुए जिस प्रकार से आगे गया है, इसको कंट्रोलिंग करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी थी रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स। जब जब ये एस्टिमेट बढ़े हैं इसको अप्रूव करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर उन्होंने भी उसको स्वीकार अप्रूव करने के बाद ही पैसा रिलीज हुआ है। सुरेश कलमाणी को मिला हुआ पहला एडवांस ये भी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव करने के बाद ही मिला हुआ है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ने वो जस्टिफाई किया होगा, वो सही किया है कि नहीं किया है इसकी इंक्वायरी करो, सही किया है तो छोड़ दो, गलत होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करो उनके ऊपर। कोई सुधांशु, व्हाट सुधांशु, व्हाट मैटर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। एनी कंपनी, एनी पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी हुज नेम हैज बिगर हुज अ बेनिफिशियरी, एनी कंपनीज नेम दैट यू कैन पॉइंट आउट?
मैंने अपने डिटेल्स में कितने 25 रिश्तेदार किसके किसके कहाँ काम कर रहे थे इसके डिटेल्स दिए हुए हैं। दूसरी बात ऐसी है कि इसके बारे में आज हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन को बायस करना नहीं चाहते। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जिसके एविडेंसेस हमारे पास मौजूद है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने डेलीगेशन के द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने देंगे। और इसलिए मैंने आज एक बात कही है कि कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड सब डॉक्यूमेंट को तुरंत सीज करो, क्योंकि आज इसको ओपन करेंगे तो इसको चेंज हो जाएंगे। जिनके दिए जिम्मेदारी उनको तुरंत बंद करो उसे, अदरवाइज देर इज ए पॉसिबिलिटी कि डॉक्यूमेंट भी चेंज हो सकते हैं। तो हमारे पास जो जानकारी, और मैं आपके मार्फत मैंने आह्वान किया है लोगों को कि उनके पास भी जो तथ्य होंगे, हमने इतने इकट्ठा किए, हमारे पास काफ़ी डॉक्यूमेंट है और हमारी टीम पिछले 15-20 दिन से रात दिन इसके लिए बैठी हुई है। हम लोग अलग अलग ऑफिसेज जाकर उससे जानकारी निकाल कर लाए हैं, पर सब तथ्य आज हम सामने रखेंगे नहीं। जब हमको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और हमको होगा कि उसके सामने जाना है, तो उसको पूरा वहाँ हम सौंपेंगे। पीछे वाले को पूछने दो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्वच्छ प्रशासन के दृष्टि से, दूध का दूध और पानी का पानी होने के दृष्टि से, माननीय प्रधानमंत्री जी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुझाव को मान्य करेंगे और ये इंक्वायरी हम दोनों भी पार्लियामेंट में, हमारे नेता और हमारे एमपी इस बात को डिमांड करेंगे और इससे सच बाहर आएगा, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी इसको स्वीकृत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।